क्यों री माधुरी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया होगा, अब उसकी शादी कर दो। मनपसंद लड़की मिलने पर जरूर कर दूंगी। क्या आपकी नज़र में उसके लिए कोई अच्छी लड़की है? हाँ हाँ है ना, मेरे एक दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है। तुम लोगों की तरह ही संपूर्ण किसान है। लड़की देखने सुनने में बहुत ही अच्छी है। तो फिर बात कीजिए, एक दिन जाकर देख आएंगे। सर झुका के क्यों बैठी हो बेटी? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए मुझसे तुम शर्माओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिभा। वाह, बहुत सुंदर नाम है। मेरी बेटी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी है। ये किताबें किसकी हैं? मेरी। तुम पढ़ाई करती हो? हाँ, और इसके बाद बीए की परीक्षा दूंगी। बस दीदी, घर के कामकाज में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती है। पढ़ना लिखना तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं नहीं, उतना भी अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद भी क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी? मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगी। उसके बाद क्या पढ़ोगी? IAS। वो कैसी पढ़ाई है? बहुत मेहनत है इसमें, पर ये पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जिला शासक बन सकते हैं। जिला शासक, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। अब क्या इस विद्याधारी पंडित को कोई ले जाएगा? हाय हाय, इतने अमीर परिवार का रिश्ता था, पर अब वो भी गया। अरे दीदी, ये सब बस इसके ख्याली पुलाव हैं। हमारे जैसे किसान के घर की लड़की को क्या इतना पढ़ना लिखना शोभा देता है। मैं इसी लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। पर बेटी, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी, ठीक है? देखो देखो, हमारे सतीश की बेबी कैसे सज सवर कर स्कूटर पर बैठकर चली गई। क्या क्या हो रहा है यहाँ? नई बहू कॉलेज चली गई। अरे ओ सतीश, लगता है खेतों से लौट रहे हो तुम। हाँ। अरे, अपनी बीवी को ट्रैक्टर पर बिठाकर ही कॉलेज छोड़ा था, ताकि उसे स्कूटर पर बैठकर ना जाना पड़ता। कहीं अगर तू पढ़ाई नहीं कर पाया तो तेरे कान न मरोड़ दे। माँ, ओ माँ, माँ। क्या हुआ? घर में घुसते ही चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात हो गई? इतना गुस्से में क्यों है? मैं कह रहा हूँ, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? क्या सब? यही तुम्हारी बहू की पढ़ाई लिखाई का नाटक। ओ माँ, ये क्या कह रहा है तू? पढ़ाई लिखाई का नाटक ऐसा क्यों कह रहा है? दो दिन बाद तो उसकी परीक्षा है। सुनो माँ, इस परीक्षा के बाद ही उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवानी होगी। पर वो क्यों? हाँ, मोहल्ले के चार लोग भले ही हंसे, फिर भी तुम उसे जरूर पढ़ाओगी, है ना? हाँ, पढ़ाऊंगी। क्यों क्यों आखिर उसे पढ़ाओगी? मैंने उसकी आँखों में देखा है, उसने पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखा है। जानते हो सतीश, बहू की तरह ही मैं भी कभी सपना देखती थी कि पढ़ लिख कर मैं कुछ बनूंगी, पर मेरे माता पिता ने यह होने ना दिया। पिताजी कहते थे कि घर का काम सीखना ही लड़कियों के लिए पढ़ाई है। शादी के बाद तेरे पिता ने भी मुझे पढ़ने नहीं दिया। उसके बाद सोचा कि तुझे बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पर दसवीं के बाद तूने भी पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा हुआ कि बहू पढ़ना चाहती है, पर तुझे किस बात की आपत्ति है? तू क्यों नहीं चाहता? पर अगर वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेगी तो घर का काम काज कौन करेगा? माँ माँ माँ, इस उम्र में मैं तुम्हें काम नहीं करने देना चाहता हूँ। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो फिर मेरी इच्छा का मान रख, और बहू की IAS की पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा मत करना, समझा तू? अरे बाप रे, वो देखो, माधुरी की नई बहू घर में बैठकर कैसे पढ़ाई कर रही है, देखो। मैंने तो सोचा था कि नई बहू रसोई में होगी और बढ़िया से आलू पराठे बना रही होगी। अरे, आलू के पराठे ही तो बना रही है, पर किताबों के पन्नों से बना रही है। अगर आलू के पराठे खाने का इतना ही मन है तो मैं बना देती हूँ ना, खा कर जाना। तुम्हारे बनाने से नहीं चलेगा माधुरी, हम तो बहू के हाथों के पराठे खाना चाहते हैं। पर अभी उसकी बहुत पढ़ाई बाकी है। पता है, मेरी सास कहती थी कि लड़कियाँ अगर ज्यादा पढ़े लिखे तो वो सरस्वती के प्रकोप के कारण अंधी हो जाती है। अच्छा, ये बात है।
तो शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि विद्या की देवी माँ सरस्वती खुद भी एक औरत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो माधुरी। ओ, क्या तुम नहीं चाहती कि हम लोग तुम्हारे घर पर आएं? अरे ये क्या कह रही हो, क्यों नहीं चाहूँगी, पर तुम लोग आकर मेरी बहू का दिल दुखाओगी, मेरे सतीश को रास्ते में तरह तरह की बातें सुनाओगी, तो मैं सच में कभी नहीं चाहूंगी। अब तुम जा सकती हो। चलो बहन चलो, हम भी देखते हैं कि कितनी बड़ी विद्याधारी पंडित बनती है इसकी बहू। चलो। मैं अब नहीं पढ़ूंगी माँ। क्यों क्यों नहीं पढ़ोगी तुम? मेरी पढ़ाई के कारण घर बाहर इतनी कलह हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, समाज वाले तू तू कर रहे हैं। बहू, सबकी परेशानी और समाज वालों की बातों के बारे में सोचकर जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं बेटा। इसलिए पढ़ लिख कर तुम्हें IAS बनना ही पड़ेगा। हे ईश्वर, आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, पर आज मांग रही हूँ। जीवन की इस कठिन परीक्षा में मेरी बहू को पास कर देना प्रभु, पास कर देना। माँ, क्या क्या खबर लाई है? तुम्हारी बहू पास हो गई है माँ। सच में? हाँ माँ, देखो मैंने कर दिखाया माँ, मैंने आपकी इज्जत रख ली माँ, मैंने कर दिखाया माँ, कर दिखाया। ये क्या माँ, आप रो रही है? दियो बेटा, हर इंसान अपने जीवन के सारे दुख भूल जाता है जब उसकी संतान सफल होती है। तूने इतनी बड़ी सफलता देकर मेरे जीवन के सारे दुखों को मिटा दिया है, इसलिए खुशी से रो रही हूँ बेटा। ये खुशी के आंसू हैं। अरे सतीश, सबको बुला बेटा, टेंट लगवा। इतने दिनों तक जो मेरी बहू की पढ़ाई लिखाई को लेकर टिप्पणी करते थे, आज मैं उन सबको बुलाकर पेट भर कर उन्हें सब कुछ खिलाऊंगी। सब देखें तो सही मेरी बहू ने कितना सम्मान बढ़ा दिया है मेरा। मेरी बहू सफल हो गई है, पास हो गई है, वो तरक्की करेगी वो। तू जल्दी जा। क्या किसी जरूरी काम में फंस गई थी बेटा? आज एक बड़ी मीटिंग थी, हमारे गांव के सारे रास्ते पक्के हो जाएं, रास्तों पर रोशनी हो, पानी की भी कोई कमी ना हो, बस यही सब और क्या। तो मीटिंग का परिणाम? सभी चीजों को मंजूरी मिल गई। सभी सुन लो, मेरी बहू ने इस गांव के लिए क्या किया है। सतीश बेटा, सबको पेट भरकर आलू के पराठे, मिठाई, जो चाहिए वो खिलाओ। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है।